आगरा मथुरा नेशनल हाईवे पर एलपीजी गैस से भरा कैप्सूल टैंकर पलट गया। कैप्सूल टैंकर पलटने से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने हालात को काबू में किया। आगरा मथुरा हाईवे पर एलपीजी गैस से भरा कैप्सूल टैंकर पलट गया। एलपीजी गैस से भरा कैप्सूल टैंकर मथुरा रिफाइनरी से आ रहा था। ऐसा बताया गया है कि जयपुर टैंकर की सेटरिंग फेल हो गई थी। जयपुर टैंकर डिवाइडर को तोड़ता हुआ दूसरी साइड पलट गया। एलपीजी कैप्सूल टैंकर पलटने से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर थाना न्यू आगरा पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंच गई। ड्राइवर कैबिन में फंस गया। ड्राइवर को लोगों ने बाहर निकाला। गाड़ी इधर से आ रही थी तो इसकी स्टीयरिंग लॉक हो गई थी, तो लॉक होने के कारण ये पलट गई है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भूकंप भूकंप आया था, उसको तो अच्छा हुआ इसके नीचे कोई हादसा नहीं हुआ है। आप लोग भागे? हम घर से निकल के आए, देखा है कंडक्टर और ड्राइवर को सही है कि नहीं है, वो अच्छा घोटला मंगल से निकाल रखे हमने। अच्छा। तो दोनों को साइड से करा के फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया, ऊपर पुलिस वाले आए हैं। उनको निकाल लिया था आपने? हाँ, निकाल दिया था उन्हें। उनको चोट वोट नहीं लगी है? चोट वोट कुछ नहीं आई उनके। दमकल कर्मचारी कैप्सूल पर पानी डालते रहे। हाईवे को एक तरफ से बंद कर दिया गया। मथुरा रिफाइनरी से भी टीम बुला ली गई। ये एलपीजी 20 टन का जो है एलपीजी टैंकर जो है टैंकर, ये उधर जा रहा था, किसी वजह से ड्राइवर की या किसी वजह से गलती की गाड़ी पलट गई है। कोई अपोजिट साइड आ गई है, गनीमत है अभी नीचे से कोई चीज़ नहीं नजर आ रही है। फिर भी पानी पानी को वाटर स्प्रे लगातार करवा रहे हैं ताकि कोई छोटा सा भी लीकेज हो उसको रोका जा सके, तो बड़ी घटना ना हो। ट्रैफिक को बंद करा दिया गया है, एक साइड से पूरा ट्रैफिक इधर से बंद है और यहाँ सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि इतना हैवी एलपीजी इसमें भरा हुआ है जो खतरनाक हो गया। मथुरा कब से आ रहा था ये? मथुरा से आ रहा था और ये इधर बताला टांडा की तरफ जा रहा था। ड्राइवर था, वो ड्राइवर पता नहीं कहीं चला गया होगा। वो चीज़ें हमारी कोशिश है सुरक्षित खड़ा कर दिया जाए और ये मथुरा के बॉटलिंग प्लांट को मैंने बता दिया है। गनीमत ये रही कि टैंकर से लीकेज नहीं हुआ, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। सी न्यूज़ के लिए राकेश कन्नौजिया की रिपोर्ट।